हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग मिस स्वीटी जी के साथ आप लोगों के लिए RRB NTPC CBT 1 Phase 4, जो कि आज आप लोगों का लास्ट डे है, 3 मार्च, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं I1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड से। तो स्वीटी जी, क्या कहना चाहेंगे इसी पेपर के बारे में? मैथ्स का टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बार ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ था, परसेंटेज से था और स्टैटिक जी के इजी था, मतलब बहुत स्टेट वाइज का पूछा था कि कौन सा सॉन्ग किससे रिलेटेड है, कौन सा डांस कहाँ से रिलेटेड है, फेस्टिवल्स पूछा था और 2019 का पूछा था, करंट अफेयर्स वगैरह और जनरल अवेयरनेस में भी अभी रिसेंट का ही पूछा था, 19 से पहले का एक भी क्वेश्चन नहीं था और अभी 2020 में का रिसेंट पूछा था कि कौन सा लॉन्च कब होने वाला है, कुछ लॉन्चेस का ईयर था और रीजनिंग का बार ग्राफ से था, वेन डायग्राम था, क्वेश्चन था। बेसिकली हम लोग बात करना चाहेंगे थोड़ा जनरल अवेयरनेस का, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस था जिसका वेटेज नो डाउट मैथ और रीजनिंग से भी ज़्यादा है। उसमें 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था, मतलब हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं देश में विदेश में उससे संबंधित कितने प्रश्न थे? अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन। अब वो इधर दे थोड़ा, वो 5 to 6 क्वेश्चन थे, वो कौन से ईयर से थे? 2019 का 2018 उससे पहले का, 18 का भी नहीं था, 19 का था, 20 का था। तो हाल ही की घटनाओं से जो क्वेश्चंस पूछा गया था 2020 का, कुछ क्वेश्चंस याद है उसमें से आपको? क्या क्वेश्चंस था कि अभी लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 19 में, वो पूरा इलेक्शंस कितने फेज में लिया गया था, एक वो था, एक रिसेंट का यही क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, रिसेंट का एक ये था, एक कुछ प्रोग्राम था जो था कि 2020 में किस स्टेट में होगा, कौन सा प्रोग्राम था एग्जैक्ट वो मैं पढ़ी ही नहीं थी तो इसलिए मेरे कोई क्वेश्चन याद नहीं। सेकंड थिंग हम लोग बात करेंगे कि 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके, क्योंकि इस बार के सिलेबस में जनरल साइंस को अलग नहीं किया गया, वो मिक्स है जनरल अवेयरनेस में ही। उसमें भी 7 to 8 क्वेश्चन था, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा था, बायोलॉजी से ज़्यादा थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से नेग्लिजिबल थे। फिजिक्स से एक भी नहीं थे, नहीं। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन थे, क्या था, केमिकल फार्मूला था क्या या किसी पर्टिकुलर नोन चीज का था, कुछ ऐसे ही वो बायो से मिक्स कुछ क्वेश्चन था कि उसके लिए पूछा गया था कि वो कौन सा, हाँ वही एंजाइम्स वगैरह को लेके, एंजाइम्स को ले। तो बायोलॉजी में हम लोग बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के वो किससे थे, जानवरों से थे या पेड़ पौधों से थे या ह्यूमन बॉडी से था? सब से था, एनिमल्स में था कि कौन सा एक ये नहीं पाया जाता टिशू, जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से एक जो नहीं होता है वो टिशू था। और जैसे कि था कि अभी न्यू बॉटनी जो है उसका फादर कौन है, यही सब बायोलॉजी से, न्यू बॉटनी का फादर कौन है, यही सब। ह्यूमन बॉडी से कुछ क्वेश्चन था, ब्लड हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, नहीं ह्यूमन सबसे, कोई बीमारियां वगैरह हो गया, नहीं पर्सनल नहीं था, बस वही था कि एनिमल्स में कौन सा टिश्यू नहीं पाया जाता है एनिमल बॉडी में, उसमें 4 ऑप्शन। कोरोना वायरस वगैरह से कुछ क्वेश्चन दिखा भी नहीं था। हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह को क्वेश्चन देखा, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स होते हैं या स्पोर्ट्स के कुछ फेमस पर्सनालिटीज होते हैं? नहीं, एक्चुअली बस एक अवार्ड का बोला गया था कि वो किस पर्सन को दिया गया है, कौन सा, पद्म विभूषण, भारत रत्न किस पर्सन को दिया गया, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, डांस का बहुत सारे था, सॉन्ग मतलब डांस का एक था, फेस्टिवल्स का था, सॉन्ग का एक भी नहीं था। डांस वाला क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली याद है क्या? हाँ, रफ आइडिया, कुछ डांस का नाम दे दिया गया और पूछा गया हो ये डांस कौन सा स्टेट का है, कुछ छपरी या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। हम लोग बात करेंगे बुक्स एंड राइटर का, कुछ क्वेश्चन देखो, एक बुक था, एक राइटर का नाम दिया हुआ था, Why I am Hindu और उसमें फिर कौन से राइटर हैं वो दिया हुआ था। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला, इतिहास, हाँ हिस्ट्री में पूछा गया था, एक कोई महल पूछा गया था कि उसके फाउंडर कौन है, कोई नहर महल तो उसका फाउंडर कौन है। हाँ, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया से एक ही था, वही वाला जो हिस्ट्री में भी उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। हाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के, थोड़ा भूगोल वगैरह से कुछ क्वेश्चन था, पहाड़ हो गया या नदियाँ से संबंधित कोई प्रश्न हो गया या नेशनल हाईवे से कोई संबंधित प्रश्न हो गया, नेशनल पार्क से था, नेशनल पार्क का क्वेश्चन क्या था, नेशनल पार्क का था, किसी एक पर्टिकुलर पार्क का नाम दे दिया गया हो, स्टेट पूछा हुआ था उसमें, पार्क का नाम देकर के पूछा गया था, ये नंदा देवी नेशनल पार्क, हाँ नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कौन सा स्टेट में स्थित है, हाँ यही सब मतलब एवरेज क्वेश्चंस था। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेस का, कुछ क्वेश्चन था,
मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, जीएसएलवी, पीएसएलवी। मून पे सबसे पहला यान जाने वाला कौन सा था? मून पे सबसे पहला यान जाने वाला कौन सा था? और कोई क्वेश्चन? और तो ऐसे डिफेंस का कोई क्वेश्चन? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स? रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन नहीं? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? हाँ, एक था इनपुट डिवाइस पूछा गया था कि चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कितने क्वेश्चन देखने को मिला अप्रॉक्सिमेटली? कंप्यूटर एक, एक क्वेश्चन कि इनपुट डिवाइस कौन सा है उसमें से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स को कौन सा सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए? आर्ट एंड कल्चर, मतलब डांस, सॉन्ग, फोक, ये सब ज़्यादा पूछा गया। वो सब ज़्यादा पूछा गया। किसी पर्टिकुलर टॉपिक दिखा आज आपको जिससे कि जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज दिखा आपको? नहीं, जनरल अवेयरनेस में चार पांच क्वेश्चन ही पूछा था, मैक्सिमम पूछा गया था कि कौन सा लॉन्च हो रहा हुआ है, कब, अभी रिसेंटली, और अभी की 2020-21 में कोई भी ईयर का प्लान है तो कि कितने, कब वो प्लान पूरा होने वाला है। एक था मलेरिया फ्री वगैरह है ना, मलेरिया फ्री इंडिया होने वाला है, तो वो टारगेट कौन से ईयर तक कंप्लीट करने वाला है लॉन्च करके। यूनाइटेड नेशन का कुछ क्वेश्चन दिखा, यूनाइटेड नेशन का एक था, यूनाइटेड नेशन का नाम पहली बार कौन दिया था? यूनाइटेड नेशन का नाम पहली बार किसने दिया था? हाँ। मतलब किसी पर्सन का नाम पूछा गया था, किसी कंट्री का नाम पूछा गया? पर्सन का नाम पूछा गया था। उसके बाद आज के जो 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंडिया को डेडिकेटेड थे या फॉरेन से भी कुछ क्वेश्चन थे? मोस्टली इंडिया से ही थे, फॉरेन में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा कि मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी पूछ लिया गया हो या कैपिटल पूछ लिया गया हो? वो एक भी नहीं, सब इंडिया से ही थे। इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन दिखा, आरबीआई का गवर्नर, बैंक का सीईओ, हेडक्वार्टर? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? उसके बाद नीति आयोग वगैरह से कोई क्वेश्चन? नीति आयोग वगैरह से क्वेश्चन नहीं दिखा। तो आपका अटेम्प्ट की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? 78। उसमें से कितने सही हो जाएंगे? आपका एक्यूरेसी परसेंट कितना है? एक्यूरेसी मोस्टली तो सही है, मतलब जितना लगाया लगभग आपने सही लगाया? सही लगाया, बाकी जो नहीं आ रहा था तो गलत नहीं किया है मैंने। अच्छा, तो आपका अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो क्या कारण रहा इतना अच्छा अटेम्प्ट का? कुछ नहीं, क्या अपना सेल्फ स्टडी रहता है, पेरेंट्स का मोटिवेशन होता है कि पढ़ना है आगे, और क्या। तो आपने कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरा? पटना, कोलकाता, रांची, आरआरबी कौन सा है? रांची। आरआरबी रांची। हाँ। घर से कितने दूर है सेंटर? यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, नज़दीक ही है ना? हाँ। दो घंटे का रास्ता है। हाँ। तो सेंटर पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? तो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? ऑल दी बेस्ट, सबको अच्छे से एग्जाम देना है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, स्टैटिक जीके, मैथ्स वगैरह, वेन डायग्राम और ये बार ग्राफ, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो सब प्रिपेयर कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मैथ्स वगैरह में, तो दिक्कत। अटेंडेंस को भी लेकर के स्टूडेंट्स थोड़ा जानकारी चाह रहे कि अटेंडेंस कितना रह रहा सेंटर के अंदर में, आप जिस लैब में थी? अटेंडेंस एक्चुअली मेरे लैब में आई थिंक 50% स्टूडेंट एब्सेंट थे। 50% स्टूडेंट एब्सेंट थे। अच्छा, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर दिखा जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका कि वेटेज बहुत ज़्यादा था, लगभग 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे कि चैप्टर से? परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के होता है ना कि इतना परसेंट में कितना ये होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मिला कर बार ग्राफ डायग्राम से भी था। क्या बोला? बार ग्राफ वगैरह, वेन ग्राफ, उससे 3-4 क्वेश्चन उससे था। तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर जिससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल उस चैप्टर को इग्नोर कर दिया गया था? नहीं, मोस्टली हर क्वेश्चन, लगभग सारे चैप्टर्स को कवर अप किया गया था और पूरा सिलेबस को कवर अप किया गया था। उसी तरह मैं रीजनिंग में बात करूँगा, रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर था जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था? नहीं, ऑड वन वगैरह फाइंड करने का था तो नॉर्मल था, न्यूमेरिक से भी था, अल्फाबेट से भी था, बाकी वेन डायग्राम वगैरह ही था। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? मॉक टेस्ट वगैरह से वहाँ ये आरआरबी का मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट की ही नहीं थी, पहले मैं अपना दूसरा अटेंड करती थी। किसका मॉक टेस्ट देती थी आप? ऐसे अनअकैडमी का भी दी थी और ऐसे टेस्ट बुक का देती थी मैं। तो अनअकैडमी का मॉक टेस्ट से क्या हेल्प हुआ? अच्छा था, स्टैटिक जीके वगैरह का क्वेश्चन उससे अच्छा आया हुआ था, मैथ्स का भी था क्वेश्चन, और फिर टेक्स्ट बुक से भी था मेरा, उससे भी अच्छा आया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए आया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज 4 का लास्ट डे का एग्जामिनेशन रिव्यू। हम लोग सेकंड फेज का भी एग्जामिनेशन रिव्यू लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जैसे कि ग्रुप बी का एंड आप लोग का एनटीपीसी का सीबीटी 2 का डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग रेलवे का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सबसे उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को, उसमें आप लोगों को पर्सनल कोच मिलता है, उसके बाद आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ्स मिलते हैं, और 6 महीना 12 महीना तक जितने भी वैलिडिटी का आप लोग प्लान लेते हैं
उस प्लान तक अनअकैडमी के जितने भी रेलवे कैटेगरी में फीचर्स है उन सबको आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। प्रेजेंट में जो कंटेंट चल रहा है उसको आप लोग एक्सेस कर पाते हैं, फ्यूचर में जो भी कंटेंट आने वाले हैं 6 महीने 12 महीने तक उसको भी आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें कि इधर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये पर मंथ का आपका अमाउंट आता है, उसमें भी आप कूपन कोड यूज़ करेंगे उमंग स्टडी UMANGSTUDY तो बहुत ही आपका नॉमिनल अमाउंट पड़ता है जो कि मंथली आपको खर्च करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और अभी फ्री में भी आप लोग NTPC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, बहुत सारे फ्री में क्लासेस भी चल रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, आपको अच्छा लगता है तब प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको किसी तरह का कोई इसमें परेशानी है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में ये परेशानी है ताकि हम लोग आपके उस इशूज़ को रिजॉल्व कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो शाम के 4:30 में फिर से हम लोग लाइव मिलेंगे उमंग स्टडी पर एग्जामिनेशन रिव्यू के साथ। ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, रिव्यू अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।